Hey guys, what's up? Today I am with my dad and we are going to explore gaming. So now I am going to introduce you to my dad. Hello Soumya. Hello Papa. Actually with the changing education system, coding is becoming essential and we thought that we'll try it out and we tried it out with Soumya. So Soumya is going to share it, her experiences and all, how she felt and all. So Soumya, can we make it in Hindi or mix of Hindi? English. Okay, Soumya. So I'm in the Chrome. Okay. Chrome mein. Okay, we'll open what? So Scratch. We are working on Scratch. So gaming can be done on different apps. Scratch.mit.edu. Yeah, Unity is also there. So we are trying Scratch. So let's try it out and then you can. पहले किया है हमने मतलब ऐसे मजा आया करने में तो सोचा कि यूट्यूबर्स से शेयर करें अपने व्यूअर्स से शेयर करें तो यहाँ पे बहुत सारे बटन्स हैं मतलब ये मेन पेज है स्क्रैच का तो यहाँ पे बैक वाला बटन है और यहाँ पे क्रिएट वाला बटन है तो क्रिएट वाला बटन दबा के हम अपने गेम्स या फिर कोई सा वीडियो या फिर कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं एक्सप्लोर दबा के हम लोग चीजों के बारे में मतलब जो गेम्स पहले के लोगों ने डाले उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ एक्सप्लोर करें क्या सोना? हाँ कुछ करते हैं जैसे गेम कोई सा भी गेम ले लें मान लीजिए कि ये गेम देखें क्या कैसा है फ्री आर्ट ओ फिर बंद हो गया अरे कनेक्शन लो हो रहा है एक मिनट हाँ अब हो गया शायद नीचे ला चल जाएगा एक्सप्लोर हाइकिंग करके देखते हैं कैसे होता है लोड हो रहा है लोडिंग प्रोजेक्ट The name of the game is hiking and hashtag all hashtag games updated. अगर हम लोग ये ऑब्स्टेकल्स को टच करेंगे तो हार जाएंगे तो से भी लड़ जा रहे हैं बार-बार खेलना ठीक है ऐसा गेम हम बना सकते हैं क्या सौम्या बना सकते हैं ओके ऐसा गेम तो बना ही सकते हैं लेकिन अब तक जो हाँ तो ये आइडियाज में क्या है सौम्या आइडियाज में हम लोग बनाने के आइडियाज ट्यूटोरियल्स हैं ओके अबाउट में स्क्रैच को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में कैसे शुरू करना है साइन इन करना है क्या साइन इन नहीं पहले जॉइन स्क्रैच करना है अच्छा पहले हमको ज्वाइन करना पड़ेगा जॉइन स्क्रैच के बाद यूजर नेम तो अपना असली यूजर नेम तो नहीं डालना मतलब अपना असली नाम नहीं डालना कोई सा भी ऐसा टॉय जैसा नाम डाल देते हैं तो मैंने Q2 लिखा है आर्बिट्रेरी पासवर्ड भी डाल दें कोई पासवर्ड में मैं तो सोच रही हूँ कि कोई सा भी ऐसा खराब सा अजीब सा पासवर्ड डाल देते हैं तो मैं सोच रही हूँ कि mobile@123 ओके तो यहाँ पे पासवर्ड एक और बार डालना पड़ेगा ताकि कंफर्म कर लें हम लोग और भूले ना mobile@123 तो नेक्स्ट व्हाट कंट्री डू यू लिव इन तो यहाँ पे इंडिया तो लिखा नहीं है आई दबा दें हाँ इंडिया ओके ओह सॉरी ईरान लिख दिया सॉरी India. Yeah. Next. When were you born? डेट डाल दिए कुछ भी अपना डाल देते हैं दिक्कत नहीं है कोई दिसंबर डाल देते हैं दिसंबर हाँ दिसंबर देते हैं 2009 ठीक है What's your gender? फीमेल और मेल दोनों कैसे लिखे हैं आप बनाइए अपना अकाउंट फीमेल डाल तो फीमेल ठीक है आईडी कौन डालेंगे इसमें एक ईमेल आईडी डालना होगा है ना जो जिस पे वो जाके क्या करे कंफर्मेशन मेल डालेगा तो क्योंकि हमारा अकाउंट है तो ये सारा ईमेल आईडी मान लीजिए हम डाल भी देते हैं। इस ईमेल पे जाएगा कंफर्मेशन। हाँ ठीक है, तो अब लोड हो रहा है, पहले लोडिंग हो रही है। Get started. Welcome to Scratch Q222. ये want to share click email पे लिंक गया है, उस पे हमको कंफर्म करना पड़ेगा ना। Okay. Get started करेंगे तो यहाँ पे create, अभी क्रिएट नहीं, हम लोग इसमें हम लोग ये लॉग आउट यहाँ से करके हम लोग अपने अकाउंट से करेंगे। अच्छा, यहाँ साइन आउट ऑप्शन है, यहाँ से साइन आउट करके कर सकते। चलिए अभी आप फिर अगर आपका एक बार साइन आउट हो जाएगा यहाँ से और आप फिर साइन इन कर सकते हैं, फिर साइन इन कर देंगे बाद में, इसी से कर लेते हैं। चलिए ठीक, क्रिएट करते हैं। अब तो क्या क्रिएट करें, कुछ गेम बनाएंगे, गेम बनाए या फिर क्या बनाए, गेम बनाओ या फिर कोई सा ऐसे कुछ अलग गेम बनाते हैं। एक गेम बनाते हैं, तो क्रिएट करेंगे तो ये विंडो ऐसा एक विंडो ओपन हो जाएगा। ओके तो इसके बाद यहाँ बैकड्रॉप पहले चेंज कर लेते हैं या फिर पहले गेम नाम टाइटल डाल देते हैं। तो कैसा गेम बनाए, चेस गेम बनाए। चेस गेम में क्या होगा, कोई पीछे भागेगा किसी के, हाँ चेस करेगा। ठीक है, चेस गेम दो बना लेते हैं, एक में एक चेस गेम और एक नॉर्मल मतलब कोई सा और गेम। चलिए चेस गेम बनाते हैं पहले दो चेस गेम। तो कैप्स लॉक लगा के नाम देते हैं द चेस गेम। द चेस जिम हो गया चेस गेम। मैं आपको इस यहाँ के बटन्स के बारे में तो बताना भूल ही गई, टाइटल है ना यहाँ पे। अच्छा बता दीजिए फिर। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट पहले, हाँ तो यहाँ पे फाइल में जाके क्या करेंगे आप बताइए, सेव करेंगे। हाँ फाइल में बहुत सारे टूल्स हैं ऐसे, और यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने का है। एडिट में क्या है, एडिट में टर्न ऑन टर्बो मोड, ट्यूटोरियल मिलेंगे ठीक है उसके बारे में। ठीक है, तो और फिर यहाँ पे टाइटल तो लिखना ही है, सी प्रोजेक्ट पेज। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट पेज तो आ ही गया है, यहाँ पे बहुत सारी स्पेस है, यहाँ पे माय स्टफ है ये। तो यहाँ पे जितने भी वीडियोस पहले से बनाए हैं उनको सेव करके यहाँ पे डालते हैं। ये देखिए अभी हम लोग को बनाया हुआ यहाँ पे आ गया चीज़, अभी यहाँ पे बनाया नहीं है, अभी जो बना रहे हैं। हाँ जो भी बना रहे हैं वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अभी स्टार्ट। तो यहाँ पे क्रिएट में वापस जाएंगे, इसी में चले आए सीन साइड से। हाँ हाँ बात ला सकते हैं वैसे भी, ऐसे तो नया नहीं बन जाएगा क्रिएट में जाके। हाँ अनटाइटल्ड, यहाँ पे क्या है, ये क्या है Q222 हमने, हमारा तो प्रोफाइल नेम है ना ये तो। हाँ नहीं उसके अंदर इस टूल को दबा के क्या होगा, अंदर प्रोफाइल है हमारी, प्रोफाइल माइस्टर सब कुछ इसमें। ठीक है, और फिर मतलब ऐसे पहले बैकड्रॉप यहाँ पे जाएंगे, साइड में एक ऐसा सीनरी वाला बटन है उसके ऊपर प्लस लगा हुआ है, तो इसको क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारे बैकड्रॉप्स आ रहे हैं। तो चेस गेम के लिए अंडर वाटर वाले यहाँ पे जाएंगे, अंडर वाटर में तो कोई सा एक सीनरी चूज करनी होगी, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है तो ये वाला चूज करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा बैकग्राउंड और यहाँ पे स्प्राइट चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई सा स्कूबा ड्राइवर भी ले सकते हैं और ऑक्टोपस भी, तो स्कूबा ड्राइवर ठीक है स्कूबा ड्राइवर लेंगे और वो फिशेस को पकड़ेगा पानी में जाके, ऐसा गेम ऐसा। हाँ ऐसा, तो ऑल में जाके यहाँ पर साइड में ऐसा स्क्रॉल डाउन का बटन है, तो यहाँ पे नीचे जाके स्कूबा ड्राइवर ये अंदर में से कौन सा चूज करें, ये वाला ठीक है तो ये वाला चूज कर लिया। अब आ जाएगा यहाँ पे, हाँ ये आ गया। अब ये वाले जो स्प्राइट है इसको यहाँ पे स्प्राइट वन वाले जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन है, डस्टबिन वाला, तो यहाँ पे इसको ऐसे क्लिक कर देंगे, इसको कर्सर मतलब ऐसे माउस से ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पे कोड है, कॉस्ट्यूम्स मतलब स्प्राइट के कॉस्ट्यूम चेंज कर सकते हैं और साउंड्स, गेम में साउंड डाल सकते हैं। यहाँ पे अनटाइटल्ड गेम द चेस लिख दे, बस पूरा लिखना है चेस। ठीक है तो यहाँ पे मोशन मतलब यहाँ पे नीचे मतलब यहाँ साइड में कॉर्नर में यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, उसके अंदर कलर फील्ड है और उसके नीचे लिखा हुआ है मतलब टूल्स जितने भी हैं। तो पहला कुछ इवेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा ना पहले। हाँ पहले यहाँ पे नीचे लाइन बना देते हैं तो उसके लिए यहाँ स्टेज जरूरत नहीं, लाइन तो दूसरा लगे बताओ। हाँ तो यहाँ इवेंट्स में जाके यहाँ पे लाइन बना लेते हैं, लाइन जरूरत नहीं। when space की pressed तो ये वाला फिर से यहाँ पे इवेंट में जाके यहाँ पे when space की pressed यहाँ पे कैसा टूल है तो इसको माउस से लेफ्ट क्लिक करके माउस से ड्रैग करके यहाँ पे when space की pressed और दूसरे स्प्राइट तो लेना भूल ही गई। तो स्प्राइट लेके यहाँ पे ऊपर सर्च वाला ऑप्शन है, यहाँ पे अंडर वाटर एनिमल सर्च कर लेते हैं। ये आ गया। हाँ आ गया। तो यहाँ पे मैं चूज करूंगी शार्क, तो नहीं शार्क तो डाइवर को खा जाएगी। शार्क है ये? फिश लेते हैं। अच्छा फिश तो डाइवर से भी बढ़ गए है, छोटी छोटी शायद ये फिश। स्टार लेने को, स्टार भी ले सकते हैं, स्टार फिश की लगे स्टार। ठीक है तो USTAR हो गया STAR। ठीक है तो यहाँ पे ये स्टार ले लेते हैं, स्टार आ रहा। हाँ आ गई। तो यहाँ पे स्टार जैसे ही दबाया यहाँ पे ऐसे स्टार का एक ऐसे ट्रेस जैसे डिजाइन बन गया स्टार का। तो अब इवेंट्स में ही when clicked को ड्रा करके लेके आएंगे और मतलब जो भी हम लोग टूल लेके जाएंगे यहाँ स्पेस एरिया में वर्क स्पेस में यहाँ पे जो भी टूल लेके जाएंगे उसको हमें स्टोरी की तरह ऐसे लगाना है ताकि मतलब जैसे when clicked if touching color ऐसे कुछ ऐसे बना के ताकि वो पूरा प्रोग्रामिंग करना होता है। हाँ ओके। फिर कंट्रोल में जाके फॉरएवर में ना, फॉरएवर में ही फॉरएवर हमेशा व्हेन क्लिक किया तो फॉरएवर। अच्छा फॉरएवर और फिर मोशन में है शायद वो। हाँ ये ग्लाइड 1 सेकंड टू रैंडम पोजीशन। तो मतलब जैसे हाँ क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि व्हेनेवर वी विल क्लिक दिस स्टार वाला है दिस। हाँ ये फ्लैग ओवर हियर ये वाला तो हाँ इस वाला बटन से गो हो जाता है, गो होगा जब भी ये फ्लैग क्लिक करेंगे। Forever, it will glide this sprite। हाँ, ये sprite को ये glide करेगा random position में इधर उधर। So this is what this program is. It is actually a small program. This is also called algorithm programming। और इससे फिर आप जो है ये अब इसको अगर आप रन करके देख रहे हैं तो देखते हैं कि ये स्टार कोई भी random position में चला जा रहा है। यहाँ पे एक आउटलाइन हो गई है ओके येलो कलर की। अब ड्राइवर का हम लोग प्रोग्राम लिख रहे थे, ड्राइवर का बना लेते हैं। ड्राइवर का प्रोग्राम थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आया था स्टार को स्टॉप कर देते हैं स्टॉप। हाँ ड्राइवर का प्रोग्राम थोड़ा स्टार्ट व्हेन अप एरो राइट व्हेन अप एरो की प्रेस्ड। तो इसमें क्या है व्हेन अप एरो की प्रेस्ड तो ड्राइवर को हम लोगों को वाई एक्सिस में हाँ वो वाला मोशन में आएंगे हम लोग। चेंज एक्स पहले अगर आप वाला करेंगे तो वाई होगा चेंज वाई बाय 10। ठीक है। अरे हाँ एक चीज बताना तो भूल गई क्या? ये वाली जो लाइन है ये वाली वाई वाली लाइन है वाई एक्सिस ये वाली ऐसे ब्रेथ जो है इसकी और ये नीचे वाली हाइट ऊपर हाइट बोल देंगे। हाँ ब्रेथ हाइट। हाँ यहाँ नीचे वाली जो लाइन है उसे एक्स एक्सिस बोलते हैं। हाँ एक्स एक्सिस। तो अगर मूवमेंट ऊपर नीचे हो रहा है तो वाई नीचे हो रहा है तो वाई बाय तो ऊपर जाने में प्लस होगा तो +10 तो ठीक है। और फिर एक और बार 1-2 बार और ऐसे के लेके आ जाएंगे ऐसे टू 4 बार ले आते हैं की बार। हाँ 4 मूवमेंट है। हाँ 4 मूवमेंट कर लेते हैं व्हेन स्पेस की प्रेस्ड ऐसे एक साथ ही 4 बार ले आते हैं। फोल्ड ले आए हैं अब सेंसिंग में नहीं सॉरी मोशन में मोशन में कहाँ गया वो x/10 में y है। हाँ ये डाल, हाँ एंड डाउन, हाँ इसको डाउन करेंगे ना एरो, राइट डाउन एरो। तो हम अब -10 कर देंगे। हाँ अब -10 -10 या माइनस छोटा कर दें, थोड़ा कम भागे -10 कर देते हैं। ठीक है अब यहाँ विन स्पेस की प्रेस फिर से, मतलब यहाँ पे x लाएंगे इसमें। हाँ तो x में राइट और लेफ्ट आ जाएगा ना, तो राइट एरो में तो ये +10 हो गया। हाँ अब यहाँ पे लेफ्ट एरो कर लेते हैं, लेफ्ट एरो कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक और x, तो ऐसे हो गया -10 कर देते हैं x को -10। हाँ ठीक है तो हम डाल सकते हैं या अभी बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको धीरे धीरे, अभी हम लोग एक एक करके और वीडियोस बनाएंगे क्योंकि कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए ना अभी सबको। तो अभी क्या हो गया, ये गेम तैयार हो गया, गेम तैयार हो गया। रन करते हैं क्या इसको, ये तो मूव नहीं कर रहा अभी क्योंकि जब मतलब राइट एरो वाले की दबाएंगे। अब इसका काम अच्छा, ओके ये देखिए राइट एरो, आपका एरो बजाया तो ये ऊपर जा रहा है, मतलब हमें स्टार को कैच करना है, स्टार के पास जाना है। तो हमारा ये गेम बन गया कि ये स्टार को पकड़ने की कोशिश करेगा डाइवर। ओके तो ये गेम दिख रहा होगा क्योंकि मतलब ये व्हेन अप एरो की प्रेस्ड वाला जो ऊपर है, हाँ, जब हम लोग ऊपर कर रहे हैं तब वो वाला आउटलाइन हो जा रहा है, येलो हाईलाइट हो जा रहा है। हाँ, तो हम जब राइट पिक कर रहे हैं तो आगे जा रहा है वो हाईलाइट, वो प्रोग्राम रन कर रहा है। हाँ, तो अब ये गेम तो तैयार हो गया है, सिंपल गेम ये है। हाँ ये हमको बता रहा है कि ये जो है वो काम कर रहे हैं, तो ये चल रहा है, इसको स्टॉप कर सकते हैं इससे। हाँ स्टॉप कर लिया है। इसमें हम शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड से, सेव कर सकते हैं, ये सब हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। फाइल में जाके सेव हो जाएगा ये, फाइल में। हाँ और सेव नाउ वाला बटन है, सेव हो जाएगा और ये सेविंग प्रोजेक्ट दिखा रहा है, ये हमारे इसमें स्टफ में सेव हो जाएगा। हाँ, स्टफ में। हाँ तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, इसको ट्राई कीजिए। अरे एक और भी बना लेते हैं, उसको बाद में नेक्स्ट में बनाएंगे, पहले इसको ट्राई करते हैं। ठीक है ना, और भी गेम्स हैं, और भी इसमें चीजें हैं, आप एक्सप्लोर करेंगे। आपको सिंपल कोडिंग से आपको समझ में आएगा कि ये जो गेम्स दिखते हैं इसमें हम लोग हर्डल्स है, जंपिंग कर सकते हैं, बहुत से गेम बना सकते हैं, उसके पीछे हम लोग सिंपल कोडिंग होती है। हाँ। अगर कोडिंग समझेंगे तो हम लोग, पापा हमने बोला था कि हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे लेकिन हम लोग तो हिंदी में ही बात करने लगे हैं। ओके सो वी विल ट्राई इट आउट, है ना, एंड फॉर मोर गेम्स एंड मोर ट्यूटोरियल्स वी विल अपलोड मोर वीडियोस। हम लोग और गेम बनाएंगे और वी विल एक्सप्लोर डीप इनटू दिस गेमिंग। कोडिंग को समझेंगे क्योंकि कोडिंग इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल है। आपको कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। यूट्यूबर को अच्छा लगा, अच्छा ही लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल।